असाज यो रिश्तों में एकदम लकी आ इं छोकरो छोकरी बार वन होटल में खर्च भी लगन था टाइम भी लगी तो वे तो रिश्तों मीट कॉन्फ्रेंस हॉल में अचन था सब जना मीटअप कन था टाइम सेविंग भी है असा जी आयास अस कम थी अठन डीन में इतने जी अचन था उन्होंने जो भी तकड़ो कम सुठो थी वे सिंधियों जो सिंधियों से ढो सुठी गाल rishto.com सिंधियों जो सिंधियों से ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और घुमाई और बाएं हाथ की मध्यम उंगली को देखी, शारीरिक जागरूकता के साथ बनी रही, श्वास और दाएं पैर को वापस ले आए। इस आसन को बाएं तरफ से भी दोहराए, दाएं हाथ को बाएं हाथ की सीध में करें। इस स्थिति में तीन अब बाएं पैर को वापस ले आएं, श्वास छोड़ें, हाथों को नीचे ले आएं तथा पैरों को मिलाएं। भद्रासन, भद्र का अर्थ है दृढ़ अथवा शुभ। सावधान में कमर को सीधा करें और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें, अपने पैरों के तलवों को मिलाएं, श्वास छोड़ें तथा हाथों से मूलाधार के पास लाएं। इस स्थिति में जागरूकता के साथ बने रहें। वज्रासन, वज्र का अर्थ होता है कटी रखे बैठ जाएं। हाथों को नितंब के पास लाते हुए स्थिति में तीन से पांच श्वासों तक शारीरिक जाग को निकालें और उसे सीधा करें। लौटा विश्रांत्रासन, उष्ट्र शब्द का अर्थ है ऊंट। सावधानी, विश्राम अवस्था से शुरू करें, कमर सीधी और ते हुए बाएं नितंब के नीचे रखें, हाथों को घुटनों पर रखें, हाथों को नितंबों पर रखें, उंगलियां नीचे की ओर हों। उष्ट्रासन, उष्ट्र का अर्थ है ऊंट। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें, हथेली नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें तथा बाएं नितंब के नीचे रखें, हाथों को घुटनों पर रखें, पीछे झुकाएं, श्वास छोड़ें, दाएं हथेली को दाएं एड़ी। लंबा श्वास छोड़ें और इस क्रिया को दो बार और करें। प्राणायाम, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राण, सिर को सीधा रखें और आंखें बंद रखें। यह श्वास में अपने शरीर में प्राण रूपी श्वास के आवागमन को महसूस करें। फिर बाएं नासिका छिद्र को अनामिका छिद्र से श्वास छोड़ें। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें, जीभ को किनारों से मोड़कर क्यूब नुमा आकृति बना लें। जीभ से श्वास, दोनों नासिकाओं छिद्रों से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें और अपना ध्यान। योग दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं पीछे कई लोग खड़े हैं, इम्तिहान देना भी अभी बाकी है, अभी तो निकले हैं हम मुट्ठी पर जमीन पर, आसमान को छूना भी बाकी है, आसमान तक जाना है हमें सर। उदय रूपचंदानी जी जिन्होंने हमें बहुत सहयोग किया है, वो जवान जी का स्वागत करेंगे। उदय रूपचंदानी जी, मैं सुब्रमण्य जी आगे जाके स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब स्वागत। हमारे शहर के बीजेपी के प्रेसिडेंट प्रदीप राम चंदानी जी रविंद्र, देखिए हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरुआत की थी कि योग करना जरूरी है, आज पिछले 10 साल से पूरे देश भर में योग चल रहा है। उसी तरीके से हम भी उल्लासनगर में हर साल योग का, जो यहाँ के 28 योगा प्रेमी है जो अलग अलग संस्था अपनी अपनी चलाते हैं, उन सबको जोड़ के हम 21 जून को
सुबह 6:30 से लेके 9:30 बजे तक योग का कार्यक्रम करते हैं। आज हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय रविंद्र चौहान साहब कैबिनेट मंत्री आज यहाँ पे सवेरे से आके इस योग में पार्टिसिपेट किया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ख़ास करके जो उल्लासनगर की जनता इतनी बारिश होते हुए भी जिन्होंने योगा किया है और अभी भी योगा कर रहे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवक पदाधिकारी कार्यकर्ता और आम जनता जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ख़ास करके मीडिया जो आज सवेरे 6:30-7 बजे से लेके यहाँ पे आके इसमें हम लोग को हिम्मत अदा किया है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। प्रतिवर्षाप्रमाणे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये देशभरामध्ये सर्व ठिकाणी आणि जगामध्ये सर्व ठिकाणी जागतिक योगा दिवस हा साजरा केला जातो आहे। विशेष करून उल्हासनगरमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून व इथले आमदार कुमार ऐलानी आणि इथले असणारे 28 वेगवेगळ्या योग प्रशिक्षण केंद्र जी आहेत अशा सर्वजण मिळून हा योगा दिवस साजरा करतात। प्रत्येक वर्षी मला या ठिकाणी आमंत्रण असतं। खऱ्या अर्थाने सकाळच्या वेळेला अर्धा तास जरी योगासनं केली तर आपल्या शरीरामधील असणाऱ्या छोट्या छोट्या ज्या व्याधी आहेत त्या व्याधी दूर होण्यासाठी याचा फार मोठा फायदा होऊ शकतो। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी देशाला दिलेली ही एक सर्वात मोठी देण आहे की जी प्राचीन काळापासून सुरू होती परंतु त्याला पुन्हा एकदा सर्वसामान्य लोकांपर्यंत जनजागृतीच्या माध्यमातून पोचवणं गरजेचं होतं। आदरणीय पंतप्रधानांनी त्याची सुरुवात केली आहे। मला असं वाटतं की या सगळ्या गोष्टीमुळे सामान्य जनतेमध्ये लोकांमध्ये आणि प्रत्येकामध्ये या सगळ्या गोष्टीचं एक वेगळ्या पद्धतीची जनजागृती झालेली आहे। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।